खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद में अलमुस्तफा फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती रैली जामे नुमान बिन साबिर सफियान टाउन से निकाली गई, जिसकी क़यादत चेयरमैन अलमुस्तफा फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद, डिवीज़न सदर तारिक चिश्ती नासिर कादरी, ज़िले सदर डॉक्टर गुलाम हुसैन ज़ाहिद, सिटी नाज़िम अंजुमन तुलबा इस्लाम फैसलाबाद मोहम्मद अली मुस्तफ़ाई क्लासन इब्रार ज़िया और दीगर अहबाब मोहब्बत ने शिरकत की। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद ने कहा कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है और गैर मुस्लिम ममालिक के वज़रा इसराइल की मदद को पहुँच गए, अमरीकी बहरी बेरा भी पहुँच गया, लेकिन हमारे बुज़दिल हुक्मरान सिर्फ एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, हम फ़लस्तीनियों से शर्मिंदा हैं, हमारी एटमी कुव्वत फ़ौज भी अभी कच्चे के डाकुओं को पकड़ने में मसरूफ़ है। निगरान हुकूमत अक़वामे मुत्तहिदा से अपीलें कर रही है कि कश्मीर की तरह फ़लस्तीन पर भी करारदाद पर अमल करवाया जाए। इन पागलों से पूछे कि अक़वामे मुत्तहिदा ने आज तक किसी मुसलमान ममालिक का मसला हल किया है? हाँ, कत्ले आम ज़रूर करवाया है, शाम, इराक, अफगानिस्तान, यमन में खून मुस्लिम अक़वामे मुत्तहिदा के तावन से ही बहाया गया। सबके बांटे बुक और गम, अल मुस्तफा फाउंडेशन, सबके बांटे बुक और गम, अल मुस्तफा फाउंडेशन, अल मुस्तफा फाउंडेशन, अल मुस्तफा फाउंडेशन, सब दुखियों का ये सहारा।